यार दोस्तों, ये चुटकी इधर आई फिर रही है। ये इधर कुछ गंदम और बाजरा डाला था मैंने सील मुर्गियों को, तो वो चुटकी खा गई है। ये बस एक मुर्गी मेरे ख्याल से घर आई है अभी, बाकी बाहर ही फिर रहे हैं। अभी मुर्गा आया था दूसरा, तो उसने आते सारी दौड़े लगवा दी सील मुर्गों की। ये अभी भी बाहर से आवाज़ें आ रही हैं उसकी। तो यार ये सील एक जो है ना मुर्गी, इसको पता नहीं क्या आ गया। ये वाली जो ब्लैक बैठी हुई है, ये सुबह जब मैंने निकाली थी तो आस्ता आस्ता ने एक पैर से लंगड़ा रही थी, तो अब तो बिल्कुल ही बैठ गई है। ये कुछ भी नहीं खाया इसने, इसको यहाँ पे गंदम और बाजरा डाला था तो इसने कुछ नहीं खाया। ये बाकी तीन ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये फिर रहे हैं इधर। और ये वाली ब्लैक जो है, इसको बस पता नहीं क्या हो गया, इसकी टांग को कोई मसला हो गया या क्या हुआ है, बस इधर ही बैठी है। तो पिजन भी हमारे फिर रहे हैं इधर ही बाहर, इनके साथ गंदम वगैरह खा रहे थे। तो यार मैं सोच रहा था कि ये जो हम नया केज लेके आए हैं इसके साथ कुछ जरासीम होंगे, और बाकी केज भी जो हमारे ये वाले हैं ये भी मतलब अंदरली साइड से ना इनको कलर कर दें, तो वो चूना सफ़ेदी करेंगे तो वो कलर भी हो जाएगा और जरासीम भी उससे मर जाएंगे, यानी कि बीमारी का ख़तरा कम हो जाएगा। तो उनके लिए मैं जा रहा हूँ लेने चूना भगो के, तो केज की अंदरली साइड पर वाइट कलर चूना हो जाएगा, जरासीम भी ख़त्म हो जाएंगे, तो बाहर वाली साइड पर कलर जो दूसरा पेंट होता है वो वाला ला के लगा देंगे। तो मैं जा रहा हूँ लेने, तो फिर वापस आके देखते हैं इस मुर्गी को भी क्या करना है इसका। ये तो दोस्तों कलर मैंने बना लिया है, और ये रूलर है, इससे हम लगाएंगे अंदर वाली साइड पर, मतलब जो सामने सामने है उसको रूलर से कर देंगे, और जो साइड पर मतलब कहीं छोटी जगह पे करना होगा तो उसके लिए मैं ले आया हूँ ब्रश, वहाँ से हम ब्रश से कर देंगे वहाँ पर। तो मैं पहला कोड करके फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा है हमारा केज। तो ये मुर्गों को मैंने बाहर इधर ही जो छोड़ा हुआ है, अभी एक कोड करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिर्फ हम अपने मुर्गियों वाले केजेस को करेंगे अभी, पिजन वाले को नहीं। ये एक ऊपर वाला जो है वहाँ पे पिजन होते हैं, और यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो पिजन अंडे दिए हुए हैं तो वहाँ भी उन्होंने वो नेस्टिंग वगैरह की है, तो इसलिए उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो निचले वाले केज में भी मुर्गियाँ हैं, तो इस केज को करके फिर इनको बाहर निकाल देंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारे केजेस का कलर मुकम्मल हो गया है, ये सब को बाहर भी पेंट कर दिया है वाइट वाला यानी कि चूना, और अंदर भी कर दिया है। ये जो पिजन वाले हैं ये नहीं किए अंदर वाली साइड से, मुर्गियों वाले कर दिए मैंने, ये भी हो गया है। और ये भी अब कुछ इस तरह से है, ये ऊपर से छत भी। तो यार अभी फ़िलहाल ये जो हमारे पिजन बैठे हुए हैं अंडे भी चेक कर लेते हैं, आज काफ़ी दिन हो गए। ओफो शिट यार, एक अंडा तो इन्होंने ज़ाया कर दिया है भाई, ये देखें अब सिर्फ एक पड़ा है। वो ना उसके ऊपर भी इसने ये चूँ से ठूंगे मारे हुए हैं, ये भी एक, पता नहीं अभी इसका क्या करेंगे। ये देखें, मुझे तो लगता है ये दोनों ख़राब कर देंगे यार, शिट। चलो खैर नेक्स्ट टाइम सही, हमारे केजेस का कलर हो चुका है मुकम्मल। तो आज की वीडियो यही है, उम्मीद है आपको पसंद ही होगी। वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल CW पेट है उसको सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।